Hello everyone, this is Prajwal Verma from MACT Aspirants. He who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. ये बात महान बॉक्सर मोहम्मद अली जी ने कही थी और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोपेलर का सीजन 2 का सेकंड बैच. जी हाँ, प्रोपेलर का सेकंड सीजन का सेकंड बैच. इसका मतलब है ये जो बैच होगा आपकी स्पॉन्सरशिप प्रेपरेशन के लिए होगा फरवरी बैच की, जो अभी आने वाला है. फरवरी 2020 बैच जो है उसी की स्पॉन्सरशिप की प्रेपरेशन के लिए होगा, ठीक है. अगर हम बात करें प्रोपेलर के पुराने रिजल्ट्स की तो उसको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है. जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, लगभग सभी कंपनीज में प्रोपेलर के बच्चे हैं. तो मैं एक बार डेटा दे देता हूँ आपको कि किस कंपनी में कितने कितने बच्चे हैं. अगर बात करें एंग्लो ईस्टर्न की तो वहाँ 14 बच्चे हैं हमारे यहाँ से. अगर आप बात करें ग्रेट ईस्टर्न की, वहाँ पे 10 हैं. अगर आप बात करें सिम्स की, वहाँ पे 6 लोग हैं. अगर आप बात करें मस्क की तो वहाँ पे 5 हैं. अगर आप बात करें WSM की तो वहाँ पे 4 हैं. बात करें थॉम कंपनी की तो वहाँ पे 3 लोग हैं वहाँ पे. अगर आप बात करें स्कॉर्पियो और MSC की तो वहां पे 2-2 हैं दोनों में, स्कॉर्पियो में 2 और MSC में 2. अगर आप बात करें सिनर्जी और गियरबल की तो वहां पे 1 और 1 सिलेक्शन हुआ है हमारा दोनों ही कंपनी में. और बात करें आप वी शिपिंग और तुलानी शिपिंग की तो दोनों में 1-1 सिलेक्शन हुआ है वहां पे. अगर आप बात करें बीटेक में सिलेक्शन की, हमारे यहां से 5 बच्चे तुलानी में सिलेक्ट हुए हैं. और आप बात करें BSc नॉटिकल साइंस की तुलानी में, वहां पे हमारे यहां 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं. तो ये हमारा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है प्रोपेलर का, जो पिछला भी बैच गया है. तो जैसा परफॉर्मेंस आपने अभी देखा प्रोपेलर का पिछले सीजन का था, उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सीजन का रहने वाला होगा, क्योंकि इस बार बेटर टीम है, बढ़िया मटेरियल है, पहले से कई गुना अच्छी चीज है हमारे पास. जो पहले था वो भी अच्छा था, अब उससे भी और बेटर हो गए हैं हम लोग. तो आपने अभी भी हमारा प्रीवियस रिजल्ट देख ही लिया है, तो बिना आपका वक्त जाया करते हुए हम आपको बताते हैं जो ये नया बैच हम लोग प्रोपेलर का फरवरी बैच के लिए लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्या क्या दे रहे होंगे आपको, ठीक है. सारी डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है. तो सबसे पहले, जैसा आप लोग जानते हैं, स्पॉन्सरशिप में मेजर 2 पार्ट होते हैं. आपका एक रिटर्न एग्जाम होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है. अभी इंटरव्यू को एक साइड रख देते हैं, रिटर्न की बात कर लेते हैं. रिटर्न एग्जाम में जो मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप एग्जाम है, वहां का जो मेजर सिलेबस होता है वो होता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश. ओके, दीज आर द 4 सब्जेक्ट दैट आर मैक्सिमम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पॉन्सरशिप रिटन एग्जामिनेशन. और कुछ कुछ कंपनीज केमिस्ट्री पूछ लेती हैं, जैसे कि ग्रेट. और ग्रेट के सिवाय मैं जानता नहीं हूँ ज्यादातर कंपनीज का नाम जो केमिस्ट्री पूछती हैं. और कुछ कुछ कंपनीज तो सिर्फ इंग्लिश और एप्टीट्यूड ही पूछती हैं आपसे, ठीक है. और कुछ कंपनीज आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले रही होंगी, ठीक है. तो ये आपका सिलेबस हो गया, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड आपका साइकोमेट्रिक. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश एप्टीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर आप अगले सब्जेक्ट की बात करो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद साइकोमेट्रिक और उसके बाद केमिस्ट्री. केमिस्ट्री सबसे नीचे आता है इस लिस्ट में, क्योंकि अगर कोई कंपनी पूछती भी है केमिस्ट्री क्वेश्चन तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जैसे सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात कर ही ली है आप लोगों से, अब बात करते हैं कि नोट्स वगैरह कैसे दे रहे होंगे, ठीक है. तो जैसे आपका फिजिक्स के हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया, इन सब के आपको रिटर्न नोट्स सबके मिल जाएंगे. और जब आप नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे आपके 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, फिर आपके टेस्ट होना भी स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे पहले चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे होंगे, फिर आपका पूरा पूरा फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है. तो पहले के जो टेस्ट होंगे थोड़े सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, उसके बाद जो आपके टेस्ट हो रहे होंगे कंपनी वाइज हो रहे होंगे, ठीक है. जैसे एंग्लो का जैसा भी फॉर्मेट होता है एग्जाम का, उस टाइप से आपका टेस्ट डिजाइन कर दिया जाएगा, फिर आप उससे टेस्ट दे रहे होंगे अपना. सेम विद ग्रेट ईस्टर्न, सेम विद सिम्सी, के तीनों का हम लोग बना के रख ले हो रहे होंगे. और उसमें लगभग आपके 30 टेस्ट टोटल हो रहे होंगे. ओवरऑल एक अच्छा खासा सिलेबस आपका प्रिपेयर हो जाएगा. हाँ, ये चीज़ मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ अभी के अभी कि हम आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है. नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा. आपको गाइडेंस दे देंगे, आपको पूरा क्वेश्चन का सिस्टमेटिक ऑर्डर दे देंगे, चैप्टर वाइज दे देंगे कि कौन कौन से चैप्टर पहले इंपॉर्टेंट है वो समझा देंगे. आपको टेस्ट पेपर बन जाएंगे आपके लिए, पर आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा. उसमें हेल्प कर देंगे, आपको कहाँ से पढ़ना है वो बता सकते हैं हम लोग, पर पढ़ा नहीं रहेंगे अपनी तरफ से हम लोग, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं साइकोमेट्रिक की. तो साइकोमेट्रिक में भी हम लोग 2-3 क्लासेस आपकी लेंगे, उसकी साइकोमेट्रिक की लेंगे. आपको उसमें समझाया जाएगा साइकोमेट्रिक का मेन पर्पज़ क्या होता है, क्या क्यों ज़रूरी है और क्या क्या गलतियां आप साइकोमेट्रिक में कर सकते हो जिससे आप बचो, ठीक है. वो चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे आपसे. अगर आप ये पूरा का पूरा मटेरियल जो हम देते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, 70-80% भी आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं किसी तरीके से,
तो आपका रिटर्न में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रिटर्न में भी नहीं होगी। और बाय द वे मान लेते हैं कि अगर सीटी दोबारा होने को होता है तो वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जो पैटर्न होगा हमारे यहाँ पे वो सेम फॉलो हो रहा होगा स्पॉन्सरशिप कंपनीज का टेस्ट पेपर का। और कभी कभी ऐसा होगा कि फुल टेस्ट हम लोग सीटी के बेसिस पे भी ले रहे होंगे कि इन केस अगर सीटी हो जाता है, मान लेते नहीं होता है पर कभी गलती से आता है, तो उस चीज के लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटरव्यू मेजरली 4-5 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका वो होता है पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपका था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके पर्सनल क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आते हैं आपके एचआर क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चन, अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर आपका अगर आपको 500 करोड़ रुपए मिल गए तो आप क्या करोगे, आप ये इनविजिबल हो गए एक दिन के लिए तो उस सिचुएशन में क्या दे रहे होगे आंसर, ठीक है। तो वो सब टाइप के क्वेश्चन आपके एचआर में आते हैं, ठीक है। तो एक आपका पर्सनल हो गया, एचआर हो गया। उसके बाद आता होगा टेक्निकल पार्ट, ठीक है। टेक्निकल में आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री तो बहुत रेयरली पूछा जाता है पर फिजिक्स मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस होता है कंपनीज का। उसके बाद ज्योग्राफी पे, ठीक है, तीनों चीजों का आपका होता है इंटरव्यू में। उसके बाद हम बात करें तो जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है वो है कम्युनिकेशन का पार्ट। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पार्ट में डिवाइड है आप कहेंगे तो, आपका वे ऑफ स्पीकिंग हो गया, आप कैसे अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा ये हो गया आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी हो गई, आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, ठीक है। तो चारों चीजों में इसको डिवाइड करना पड़ता है आपको, ठीक है। ये अलग अलग चार सेक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के पार्ट में कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू का पूरा डिवीजन मैंने बता दिया एक बार। तो हम लोग इसमें क्या हेल्प कर रहे होंगे आपकी, जो भी आपका इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी होता है, ठीक है, जितने भी मैंने पार्ट डिस्कस किए हैं वो हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। बीट बी टेक्निकल, बीट एचआर, बीट पर्सनल, एनीथिंग, वी विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग इन क्लासेस, ओके। डेडिकेटेड क्लासेस होंगी हर एक के ऊपर, आपके पर्सनल क्वेश्चन से लेके हर चीज डिस्कस करी जाएगी कि आप पर्सनल क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बैच में है वो है कि कोई भी चीज, जैसे आप एक इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग कोर्सेज की जो लेंथ है थोड़ी बड़ी रखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, एक नॉलेज रट के क्रैम अप करने में कम टाइम लगता है पर एक पर्सनैलिटी ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमारे कोर्सेज की लेंथ थोड़ी बड़ी रहती है। तो सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज आपकी चल रही होंगी चीजें। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी रहेगा कि हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है वो ये है कि आप किसी भी तरीके से जो आंसर लिखा हुआ है, जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, हम लोग देंगे उसके आंसर, आप में हेल्प करेंगे, पर हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप ही उसका आंसर निकालें किसी तरीके से। मतलब आपको डेटा दे देंगे हम लोग पर आपको निकालना खुद से पड़ेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप उसे अच्छे से फ्रेम कर ले जाएं, हम हेल्प करेंगे फ्रेम करने में, पर ऐसा नहीं होगा कि मैं आप मेरे को क्वेश्चन दोगे मैं उसका कोई आंसर दे दूंगा, ठीक है। कुछ पार्ट मैं दूंगा, कुछ आप ऐड करोगे, एक कम्युनिकेशन करेंगे, वहां पे बात करेंगे इस बारे में कि ये ऐसा गलत है, ये सही है, ठीक है। तो उस चीज को डिस्कस कर करके हम लोग सॉर्ट आउट करके आपका एक अच्छा आंसर बना रहे होंगे। ये हमारा ज्यादा फोकस इसी पे रहता है कि क्योंकि अगर आप उस आंसर को ओन नहीं करते हो ना तो आपको आंसर देने में भी थोड़ा डर लगेगा और वो बहुत नुकसान करेगा आपके इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए, तो इतना तो मैंने बता दिया कि क्या क्या हो रहा होगा टेक्निकल और इंटरव्यू के बारे में, लगभग ये ब्लूप्रिंट दे दिया है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल जो रहेगा हमारा, ठीक है, कि कैसा चल रहा होगा, हफ्ते में क्या क्या हो रहा होगा या फिर महीने में क्या क्या चल रहा होगा, ठीक है। मतलब एक होगा ना ब्लूप्रिंट, आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे हमारा ये बैच आगे मूव ऑन कर रहा होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले तीन दिन कुछ नहीं होगा, हर बच्चे का अलग अलग 15-20, कुछ बच्चों का 30 मिनट तक का भी एक पर्सनल मीटिंग लिया जाएगा। उस मीटिंग में हम लोग आपसे बात करेंगे आपके पर्सनल इश्यूज के बारे में, आपकी फिजिक्स कैसी है, केमिस्ट्री कैसी है, मैथमेटिक्स कैसी है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग कैसा, मतलब आपका एक आइडिया लेंगे और उसको सिस्टमेटिकली अपने पास रखेंगे कि हाँ ये बंदे की ये समस्या है। तो इस हिसाब से आपको मेंटर कौन मिलेगा, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन कितने जाएंगे, सबसे प्रैक्टिस कितनी करवानी है और कितना फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है और वीकनेस होती है तो उस चीज़ पे पर्सनली हम लोग ध्यान देंगे कि आपकी ये चीज़ कमी है तो उसमें ध्यान दो, आपका ये अच्छा है तो थोड़ा इसमें ध्यान दो, ठीक है। तो हर एक को बेस्ट आउटपुट निकालना है आप में से, हमको हर दो बच्चे बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ उसका अपना स्ट्रांग होगा, कुछ आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम देखना है, जज करना है कि क्या ये लैक कर रहा है बच्चा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पॉन्सरशिप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ हम आप में ऐड ऑन करेंगे, वो नहीं करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम दे देंगे चीज़ें पर ज़्यादा फोकस उसी पर रहेगा जो आपके पास नहीं है। उस तरीके से वो मीटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसी वजह से।
तो जैसे ही आपकी मीटिंग्स खत्म होंगी, इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलना चालू हो जाएंगे और इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हफ्ते में आपकी 6 से 10 के बीच में क्लास हो रही होंगी, मतलब आप मान सकते हो तो डेली एक क्लास हो रही होगी और क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर्स के आसपास कुछ रहेगा। कभी वो 2 आवर्स तक भी जा सकता है, कभी वो 1.15 या फिर 1 आवर 10 मिनट्स 5 मिनट्स पे भी क्लासेस खत्म हो सकती है, पर जो क्लास का ड्यूरेशन रहेगा वो 1.5 आवर्स आपका एवरेज रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वो 1.5 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि टीचर जब फ्लो में आता है ना तो फिर छोड़ता नहीं है। तो ठीक है, देख अब बात करते हैं आपकी जो क्लासेस हो रही होंगी हफ्ते में क्या क्या होंगी। तो 3 टाइप की क्लासेस आपकी चल रही होंगी, देखो पर्सनल क्लासेस चल रही होंगी, HR क्लासेस और आपकी टेक्निकल क्लासेस। विद इन 1 मंथ आपकी लगभग सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 25 डेज 26 डेज कुछ ऐसा ही होगा, एक टाइम पीरियड हमने बना रखा है। मतलब बच्चे जो बच्चे डिपेंड करता है, कभी कभी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ जाता है, किसी पे थोड़ा कम रह जाता है, पर 25-26 दिन के आसपास लगभग सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बच्चों के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज होना चालू हो जाएंगे। कुछ मॉक आपके मेंटर्स ले रहे होंगे, कुछ मॉक बाहर से आएंगे लोग वो ले रहे होंगे। चलो मेंटर की बात कर लेते हैं, कौन कौन मेंटरों का। तो आपके जो मेंटर्स हैं यार, उनको ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंग्लो का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, ग्रेट का किया हुआ है, सिम्स का किया हुआ है, आपका WSM का किया हुआ है, सिनर्जी का किया हुआ है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, उन सबके आपके उन्होंने एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। तो मेंटर्स की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है और ये लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं हमारे यहाँ, उनमें से कुछ ही लोगों को चूज किया जाता है आपको पढ़ाने के लिए, जो एक अच्छे, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं होता आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो बहुत अच्छा पढ़ा भी सकते। तो हमें एक बहुत अच्छा मेंटर चाहिए होता, तो हम लोग ना अपना सिलेक्शन प्रोसेस निकालते हैं, उसमें से अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स अपने वहाँ से ले रखे हैं आप लोगों के लिए ही। तो जो मेंटर्स आपके बाहर से आएंगे वो आपके मॉक इंटरव्यूज ले रहे होंगे। मॉक, हर मॉक होने के बाद वो आपको एक रिव्यू देंगे, ठीक है, उस रिव्यू को आप अपने मेंटर के पास लेके जाओगे और वो आपको अपना समझा रहा होगा, ठीक है। जैसे हफ्ते में क्लासेस थोड़ी कम हो जाएंगी, उसके बाद चाहे 3 क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है, तो हर हफ्ते में आपकी हर दूसरे या तीसरे दिन क्लासेस हो रही होंगी, जो आपके डाउट क्लियरेंस टाइप की क्लासेस होंगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया, सबको समझना बाकी रह गया। और हाँ, कुछ जो मॉक आपके मेंटर्स ले रहे होंगे उसका भी एक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो आपके मेंटर्स हैं वो काफ़ी कम मॉक ही ले रहे होंगे, ठीक है, जैसे 3 या 4 मॉक आपके लेंगे वो, और जो भी मॉक ले रहे होंगे वो क्लासेस के बीच में होंगे, ठीक है, बाकी बच्चे वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। जैसे 10 बच्चों की क्लास है आपकी, 6 बच्चों की क्लास है, 7 बच्चों की क्लास है, जितने बच्चों की क्लास है उसमें आपको वो वहीं पे ले रहे होंगे, जैसे बाकी बच्चे भी सीखें और एक अच्छा आपको आइडिया भी लग जाए कि यार मैं कैसा स्टैंड करता हूँ बाकी लोगों के बीच। प्रेशर भी थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, प्रेशर होना ज़रूरी है भाई, क्योंकि रियल मॉक दोगे ना, सॉरी रियल इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे काफ़ी प्रेशर रहता है, तो उस चीज़ को डील करना भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और इससे क्या होगा, जो बाहर के बच्चे हैं, जो और बच्चे बचे हुए हैं, वो भी देख देख के सीख रहे होंगे, तो उससे काफ़ी लर्निंग फास्ट हो जाती है। यार बताओ कितना अच्छा आंसर दे दिया इसने, ये होगा तो मैं भी ऐसा ही आंसर, कुछ कुछ ऐसा आंसर मैं बताऊंगा अपनी सिचुएशन के साथ जोड़ के, ठीक है, तो उससे आपकी भी काफ़ी हेल्प हो रही होगी जो दूसरे बच्चों को देखोगे आप, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉक इंटरव्यूज के बारे में, और आपके पेपर्स के बारे में बता दिया मैंने, जो मॉक टेस्ट होंगे वो चलते ही रहेंगे साथ साथ आपके। और एक और चीज़, जो बच्चे हम लोग को आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि काफ़ी कमज़ोर इंग्लिश में, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो एक चीज़ और जो यार इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वो है कि हम लोग आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी काफ़ी काम कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप एंग्लो के इंटरव्यू की बात करें तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाते हैं और ऐसे लिखवाया जाता है, तो उस चीज़ की भी प्रैक्टिस हमारे यहाँ चल रही होगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी किसी भी एस्पेक्ट से, तो हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही रिटर्न से रिलेटेड, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे मटेरियल को अच्छे से पढ़िएगा और आपका सिलेक्शन कन्फर्म रहेगा। हम अपना 100% देंगे, आप भी अपना 100% देंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा वहाँ पे। तो आपके लगभग 10 मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे, अगर ये मैंने नहीं बताया तो बता देता हूँ अब मैं आपको, यहाँ पे आपके 10 मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे। तो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं भूल गया हूँ यार, वो ये है कि हम लोग आपके डाउट्स भी ले रहे होंगे PCM, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के। और आप किसी क्वेश्चन में डाउट आता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा और वहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दे देंगे उसका रिटर्न सोल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम स्पीड का होता है, आपको लगता है कि 5-6 मिनट 10 मिनट लगा दी मैंने और नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ग्रुप में डाल दीजिए, वहाँ हम आपको सॉल्व कर दे रहे होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस हमारा 1999 है, 1999, 1999, ठीक है। ड्यूरेशन हमारी 2.5 मंथ्स रहेगी इस कोर्स की, और लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 50 सीटें हैं इस बार भी, जैसे पिछली बार थी लिमिटेड सीट्स हैं 50 सीट्स, जो पहले 50 बच्चे आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिल रहा होगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सिटी एस्पिरेंट्स साइनिंग ऑफ।